हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, साल 2022 खत्म होने जा रहा है और आज हम बात करने वाले हैं 2023 के अंदर ओला इलेक्ट्रिक में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या नया आने वाला है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, क्या हमारे को ओला इलेक्ट्रिक के किसी नए प्रोडक्ट के लिए रुकना चाहिए या फिर अभी जो ओला इलेक्ट्रिक के दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनको परचेस कर लेना चाहिए। देखो, अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक है या फिर आपने अभी तक S1 या S1 Pro ले चुके हो तो आपको 2023 में क्या एडवांटेज है, क्या क्या आपको नई नई चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज गाइस, आप लोगों को 2023 अप्रैल के अंदर ओला S1 एयर ओला इलेक्ट्रिक का सबसे लोवेस्ट वेरियंट होने वाला है, मतलब सबसे कम प्राइस वाली एक ACEV जो की फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ आप लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करेगी। बुकिंग पहले से चल रही है, अभी भी आप बुकिंग कर सकते हो और जनवरी 2023 से ये आपको फुल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और अप्रैल के अंदर आपको इसकी डिलीवरी भी होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड चीज, अभी आपने देखा MOVOS 3 काफी अट्रैक्टिव लगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। उसके अंदर काफी फीचर्स ऐसे हैं जो कि सच में कमाल के हैं, जैसे एग्जॉस्ट साउंड सच में लाजवाब है। MOVOS 3 आने के बाद तो सच में ये यकीन हो चुका है कि सिर्फ ओला ही है जो कि आने वाले टाइम में एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी रहेगी। हमारे को फ्यूचर में जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो ओला अपने MOVOS के साथ अपडेट कर देगी। ऐसा ही 2023 के अंदर होने वाला है। आपको 2023 में मिलने वाला है MOVOS 4। MOVOS 4 के अंदर क्या कुछ नया आने वाला है ये तो आपको वक्त के साथ ही पता चलेगा। और हम सबको पता है हर 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक इवेंट करता है। लास्ट ईयर भी इवेंट किया था, इस ईयर भी इवेंट किया था। लास्ट ईयर इन्होंने S1 Pro लॉन्च करी, इस ईयर में इन्होंने लॉन्च करी थी ओला S1। अब इस बार 15 अगस्त को क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहां तक मुझे लगता है इस बार 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है ओला की बाइक, और ओला की बाइक एक तो एवरेज ज्यादा देगी, रेंज ज्यादा देगी और साथ में प्राइस भी कुछ इंटरेस्टिंग सा प्राइस होने वाला है, इफेक्टिव प्राइस होने वाला है। और आज की डेट में जितनी भी बाइक्स अवेलेबल है ईवी मार्केट में उन सबको टक्कर दे सकती है, क्योंकि लुक्स भी ओला जो बनाता है ना, सच में लुक्स इस तरीके के बनाता है जो कि प्रीमियम लगती है। अगर आप कहीं से निकल रहे हो तो लोग एक बार में पहचान जाएंगे कि यार ये बाइक तो यार सच में कमाल है और ये ओला इलेक्ट्रिक की ही बाइक है। वही साथ में आपने 2022 के अंदर एक झलक देखी थी ओला की नई कार की। तब ओला की जो फ्यूचरिस्टिक कार है ये कब आने वाली है, क्या 2023 में आएगी? तो गाइस, जहां तक मुझे लग रहा है और अभी रिसेंटली मैंने भावित अग्रवाल जिन्होंने अभी कुछ ब्लॉग्स के ऊपर अपना इंटरव्यू दिया है, तो वहां से मेरे को पता चला है कि ओला इलेक्ट्रिक की जो कार है वो 2023 में नहीं आने वाली है, वो आने वाली है 2024 में। लेकिन उसकी और कुछ झलक, कुछ और उसके डेमोज वो आपको 2023 में मिलने वाले हैं। 2023 में आपको मतलब वीडियोस फुल मिल जाएंगे कि यार ओला कार ऐसी होने वाली है और 2024 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। और ओला की इस कार का जो प्राइस है ना, प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, 10-12 लाख से इसकी कार जो है ना स्टार्ट होगी और रेंज नो डाउट सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी। अभी तक जितनी भी ईवीज आ रही है या फिर हम बात करें जैसे टाटा की काफी सारी ईवीज आ जा चुकी है, हम बात करें किया की ईवीज आ चुकी है, हम बात करें MG की ईवीज आ चुकी है, हम बात करें हुंडई की ईवीज आ चुकी है, लेकिन जैसे ही ओला की ईवीज आएगी तब वहां पे हमारे को सबसे ज्यादा रेंज मुझे लगता है मिलने वाली है। और सेकेंडली जो डिजाइन का जो लुक्स है ना यार, वो सच में ओला इलेक्ट्रिक का मुझे हमेशा से पसंद आता है। ओला इलेक्ट्रिक जो काम करता है अपने लुक्स के ऊपर या फिर अपनी जो भी बाइक लाओ, चाहे स्कूटर लाओ या फिर हम बात करें ओला S1 की जो तीनों सीरीज आई वो है, अब कार के भी जो लुक्स दिखाए थे जो इन्होंने हमारे को इंट्रोड्यूस करी थी, उसके अंदर वो लुक सच में प्रीमियम सा लगता है। उसमें ये लगता है कि यार ये जो ईवीज है ना, इस तरीके की कार्स आज तक हमने इंडिया के बाहर की कंट्रीज में ही देखी है, अब ये इंडिया के कंट्रीज में भी आएगी, हमारी इंडियन सड़कों पर भी हम इस गाड़ियों को चलते हुए देखेंगे। और एक सवाल आप लोगों के मन में बन रहा है कि 2023 में क्या ओला इलेक्ट्रिक की जो S1 S1 Pro आ रहा है इसका प्राइस बढ़ सकता है? तो हाँ गाइज, हो सकता है कुछ प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने है ना ओला S1 आने के बाद मैंने इसकी सारी चीजों को देखा, सारी पार्ट्स को नोटिस किया कि क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं और सबका मैंने प्राइस जानने की कोशिश करी। तो एक्चुअल बताऊं प्राइस कितना आ रहा था, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास पड़ रही है अगर हम खुद ही बनाने जा रहे हैं तो। और वहीं हम ओला इलेक्ट्रिक से इसको परचेस कर रहे हैं तो कितने में दे रहे हैं हमारे को, 1 लाख 1 लाख 10 हजार में। हालांकि इसके ऊपर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल रही है इसीलिए इतना सस्ता दे रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी कम होने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी कम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहा है 2021 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 4000 यूनिट बिकते थे पर मंथ, आज की डेट में बात करूं तो 80,000 से ज्यादा पर मंथ यूनिट बिक रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सारी कंपनीज के मिला के। तो अभी ही सही टाइम है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने का, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने का। बाकी आपको काफी सारे कंपैरिजन मेरे चैनल्स पे मिलते रहते हैं, पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, आने वाले टाइम में और आपको बेहतर कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ, तो चैनल पे तो बने ही रहना। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप 2023 के ईवी मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। आप लोग देखते हो आपको वीडियो पसंद आता है लेकिन आप शेयर नहीं करते हो, तो अब से इसको शेयर भी करना है। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, बाय।